अवनी की बिंदास सास, नील की यमी मम्मी, लेकिन रियल लाइफ में ये है एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे का ख्याल रखती है और साथ साथ खुद की सेहत का भी ख्याल रखती है। लेकिन सीरियल नामकरण के सेट पर ये बन जाती है सासू माँ श्वेता। पर्दे पर अवनी की खड़ू सास, लेकिन रियल लाइफ में क्यूट मॉम, कूल फ्रेंड, अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। बॉडी में जो म्यूजिक है उसमें भी तो मैजिक है, और एक जिम्मेदार बेटी जो दिल से लगे, ये है द वन एंड ओनली श्रुति उल्फत। नामकरण की श्वेता, जमाई राजा की सिमरन, ससुराल गेंदा फूल की रानो और ना जाने कितने किरदार के रूप में सालों से दर्शकों ने श्रुति उल्फत को देखा और सराहा है, लेकिन पहली बार सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां श्रुति की निजी जिंदगी की झलक आपको दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं श्रुति के घर और कहते हैं उन्हें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सास बहू और बेटिया, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज आपको श्रुति से ही मिलवाने वाले। Good morning. One Shruti to another. Yes. Shruti, Shruti together. Yes. मतलब आज तो full square हो रहा है Shruti square. Absolutely. Please come in, I love your ghanti. I know. I just thought ki you know let's save electricity. No, just kidding. Interesting जितनी ghanti उससे कहीं ज़्यादा interesting personality आज हमारे साथ है Shruti Ulfat, जिनके साथ पूरा दिन हम बिताने वाले हैं। सास बहू और बेटियां और अपने फैंस और दर्शकों को मिलवाया अपने लाडले बेटे ओजस्व और अपनी प्यारी माँ से। That's my little son ओजस्व, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, रेडियंट है, ओके थोड़ा सा शाय फील कर रहा है इस समय बिकॉज ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट और इसका स्कूल जाने का समय हो गया है। मेरा एज यू कैन सी जिम जाने का समय हो गया है। मम्मा है मेरी जो बहुत जैसे पिलर बोलते हैं मेरे लिए है, और आई थिंक ये यहाँ पर है इसीलिए मैं वापस बम्बई आ गई हूँ काम करने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स ओजस्व बेटा है तो मैं चाहती थी कि यू नो होता है ना नानी दादियाँ पालती हैं तो बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, बिल्कुल परेशान नहीं करती है, मस्त कलंदर है, बड़ा आनंद आता है बेटा। सबसे बड़ी बात है कि शी इज डूइंग समथिंग, लड़कियों को काम करना चाहिए, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ, आप भी कर रही हैं ना। तो अभी नामकरण मेरा ही काम, शी डजंट लाइक मी बिकॉज मैं एकदम नेगेटिव सी हूँ। अच्छा है ना, कम से कम कुछ अलग तो करने को मिल रहा है मुझे। सॉकर प्लेयर है, फुटबॉलर है, एंड प्रोफेशनली ये वही बनना चाहते हैं फिलहाल, आगे पता नहीं क्या होगा। क्या काम? मेरा नाम ओजस्व है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं जहाँ भी कंट्री में जाती हूँ, जिस भी वर्ल्ड में घूमती हूँ, तो मैं लेकर आती हूँ ना जस्ट स्टिक, और ये छोटू ओजस्व है, छोटू सा था, फिर बड़ा 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 होता गया। आई हैव अ स्वीट स्मॉल कोजी हाउस विच आई लव। बेस्ट पार्ट अबाउट माई रूम इज, सबसे अमेजिंग चीज़ है मेरे यहाँ, सॉरी यहाँ कपड़े भी सूखते हैं घर है ना, क्योंकि अमेजिंग चीज़ है ये बालकनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड मैंने यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, आप देख रहे होंगे। हाँ, इट्स वेरी सिंपल एंड नाइस, और तांबे का लोटा पानी पीते हैं विच इज़ बहुत अच्छा होता है, सबको पीना चाहिए, आई थिंक इट्स नाइस। बिकॉज देहरादून से हूँ, पहाड़ से हूँ, तो वहाँ पर लकड़ी की खिड़कियाँ बहुत होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लकड़ी की खिड़की मैंने छोटी सी बनाई है, मुझे लगा कुछ तो चीज़ जो है जो देहरादून टाइप की जो मैं यहाँ लेकर आऊँ, जो हालांकि बहुत नहीं बना सकते, ऐसे एक छोटी सी होनी चाहिए, और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा कुछ 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 प्लांट्स व्लांट्स रख के कुछ कुछ करके रखा है, सो दैट्स नाइस। हियर ऑल्सो यू कैन सी वी हैव
इतना फ्रंट एरिया है तो अच्छा सा है, यू नो. ओह दैट्स द अवार्ड विच आई गॉट. आई लव दीज जार्स. तो ये छोटे छोटे जार्स एंड टी पॉट्स, ऑल दीज लिटिल थिंग्स ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सिरेमिक की चीज़ें, हाँ, पॉटरी वर्क मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हाथ का काम. दिस इज जस्ट हियर व्हेन ही वाज 10 मंथ्स. Little Jasya. And this is little Shruti here. That's mama, my sister, my papa, my brother who just got selected in the Navy. So abhi cadet ban ke aaye hain. Haan, Navy ki cap and all that. Bahut achhi hai. World's best mom. हम घूमने जाते हैं और मस्ती मारते हैं. हाँ, हम देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं एक साथ, बाहर घूमने जाते हैं. और आई थिंक मैं इसकी टीम के साथ सॉकर भी खेलती हूँ, फुटबॉल भी खेलती हूँ. सो दैट्स अनदर थिंग. आई थिंक आई एम दी ओनली मॉम हू प्लेज, सो ही फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. और आई थिंक मैं ज़्यादा दोस्त जैसी हूँ कि स्ट्रिक्ट मम्मी जैसी हूँ. होती ही ऐसी है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, भले ही उन्हें आता हो या ना आता हो. और देखिए, अपने बेटे को कंपनी देने के लिए श्रुति अपने बेटे के साथ फुटबॉल तक खेलती है. ये है रियल कूल और हैपनिंग मॉम. तो ये जो है, ये मेरी छोटी सी दुनिया है. और इस दुनिया को मैं बहुत सुंदर तरीके से, पूर्ण तरीके से जीती हूँ. एंड मैं चाहूँगी कि ये दुनिया मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिले. एंड आई एम सो ब्लेस्ड. जितना जितने रिश्ते हम जोड़ के रखें उतना अच्छा है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दीज टू पीपल, वंडरफुल पीपल, ये मेरी ज़िंदगी में है. दिस इज़ अनदर ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ मी who's in Dehradun, my brother, and he's also always with me, though he's not physically living here, but definitely wo ek bahut bade ek hota hai na, sahara hote hain, ek guiding light hote hain, so wo hai mere liye. Hey dil laya hai bahar khushi ka khumar, kya kehna mile hum तना तटना छलक उठा, छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना. अपनी फैमिली को बाय बाय बोलने के बाद श्रुति निकल पड़ी अपनी जिम की ओर. भाई, एक्टर्स के लिए फिट रहना बेहद जरूरी होता है, और फिट रहने के लिए हर कोई जाता है जिम या फिर करता है योगा. तो चलिए चलते हैं श्रुति के साथ उनके जिम की ओर. जिम एंड फिटनेस फर्स्ट FF. एंड ये मेरे ट्रेनर हैं नितेश सर, एंड ही इज़ वंडरफुल. और ये मतलब मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवाते हैं जो बहुत अजीबोगरीब होती हैं. मुझे ऐसा लगता है मैं एनिमल हो जाती हूँ यहाँ पर, बंदर बन जाती हूँ. एंड देन श्रुतेश सर, ही इज रियली हेल्प्ड अस. बॉडी में जो म्यूजिक है उसमें भी तो मैजिक है. हाँ, बॉडी में जो म्यूजिक है उसमें भी तो मैजिक है. बट लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है, मैं हंसी खुशी करती हूँ. इसमें जो रिदम है वो फील करो तुम, ये जो दिल के बूफर हैं बजते नीचे ऊपर हैं. इसमें जो रिदम है वो फील करो तुम, मस्ती की ग्रूव पर लेफ्ट राइट मूव कर, बेबी फुल स्पीड में शेक योर बम 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 बम. देख रहे हैं आप कितनी मेहनत करनी होती है वजन कम करने के लिए. वैसे श्रुति ने थोड़ी बहुत मेहनत हमारी श्रुति से भी करवाया, यानी कि सास बहू और बेटियां की रिपोर्टर श्रुति बढ़ जाती है. आज तक इन्होंने शायद
ऐसे नहीं किया है किसी को इंटरव्यू करते हुए, तो आज हमने सोचा हम क्यों ना पासा पलट लें थोड़ा। जिम में काफी देर तक कसरत करने और पसीना बहाने के बाद अब वक्त आ गया है काम पर जाने का। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ी बदली बदली श्रुति को। आई नो, एंड अभी हम शूट के लिए निकलते हैं बिकॉज हम बहुत लेट हो गए हैं। सो ओके, लेट्स गो। तो अब हम गड्डी में सवार हो गए हैं श्रुति के और उनके साथ जा रहे हैं सेट पर। तो क्योंकि हमारा सेट की तरफ सफर शुरू हो चुका है, सो मैं जानना चाहती हूँ आपका लाइफ का सफर, कैसे आपका एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ? कभी ऐसे सोचा नहीं था कि आप मैं जाकर एक एक्टर बनूंगी। एंड बट ऑफकोर्स जब स्कूल में होते हैं तो ड्रामा व्रामा तो स्कूल में चलता है, जैसे एनुअल फंक्शन होता है या फाउंडर्स डे होता है या ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें मैं हमेशा से रुचि रखती थी। सीरियल आता था उड़ान, एंड उसमें वो लोग कविता चौधरी यूज़ टू डू दैट, एंड वो बेस था, इंस्पायर्ड था किरण बेदी के ऊपर, एंड आई गॉट रियली इंस्पायर्ड बाई किरण बेदी जब मैं टेंथ में थी। एंड देन मुझे हमेशा से था कि मैं पुलिस में ज्वाइन करूँगी, ऐसा था, बट वो हो नहीं पाया ड्यू टू वेरियस रीजन्स, बिकॉज यू नो आई गॉट इन टू थिएटर, मैं रंगमंच में घुस गई और वहाँ पर रुचि वहाँ बढ़ने लगी। एंड फिर आई सडनली रियलाइज दैट ये एक चीज़ है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और मैं एक छुट्टी में आई थी बॉम्बे, एंड यहाँ पर मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, तो उन्होंने बोला तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती हो, तुम तो थिएटर भी करती हो, रंगमंच करती हो, हमने तुम्हारा नाटक देखा है, अर्चना पूरन सिंह थी, मनोज बाजपेयी थे, आशुतोष राणा थे। तो उन्होंने बोला कि ट्राई, आई सेड हाँ बट कभी सोचा नहीं है। देन आई गॉट अ ब्रेक विद एन एड इन दिल्ली, सिद्धार्थ बासु जो थे वो जानते थे किसी को, उन्होंने श्रुति ऐड करोगी, आई सेड हाँ ठीक है। और उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था, आई वॉज जस्ट लाइक 18 एंड आई स्टिल डूइंग माई कॉलेज, एंड आई डिड दिस एट एंड आई फेल्ट सो नाइस। तो आई सेड ठीक है चलो ये प्रयास भी करते हैं, इस सफ़र पर भी चलते हैं, और अभी तक ये सफ़र मेरा जो है चल रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुहाना है। उतार चढ़ाव जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था आते हैं, लेकिन उनको आप कैसे टेक इट ऑन योर स्ट्राइड, एक है टर्म जो आप बोलते हैं जस्ट टेक इट ऑन योर स्ट्राइड, मतलब जैसे आता है उसको लेकर चलो आगे चलो एकदम, यू नो बढ़ते रहो। एक्चुअली बहुत सारे थे, बट आई डिड दिस शो कॉल्ड थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है, जो रवि रहे थे वो बनाते थे उनको, और जिन्होंने सैलाब बनाया था उनकी लिखाई जो थी बहुत ही खूबसूरत थी, एंड बहुत ही कमाल के डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर थे वो, तो उनके साथ मुझे मिला था थोड़ा थोड़ी की ज़रूरत है, दैट वाज क्वाइट अ थिंग। बट अनदर स्टेपिंग स्टोन जो मेरी ज़िंदगी में था और करियर में था वॉज शो कॉल्ड आई लव यू, जो मैंने सोनी के लिए किया था, एंड मुझे याद है कि वो बहुत ही कमाल का शो था। अपने घर से सेट तक के सफर में श्रुति ने अपने एक्टिंग करियर और अपनी निजी जिंदगी की काफी सारी बातें शेयर की, और ऐसे ही बातें करते करते वक्त गुजर गया और श्रुति के साथ हम पहुंच गए उनके सेट नामकरण पर। सेट पीछे टेबल है ध्यान से मेरा ना सेट और नामकरण, हाँ, और मेरे ख्याल से सब लोग आ गए हैं, मैं ही लेट हूँ। पैराडाइज इन नामकरण एंड आई लव इट, एंड आई गॉट ऑल जस्टिस पेंटिंग्स ये लगी हुई हैं उसकी, और हाँ ये सब तो ये है, माय मेकअप स्टफ इज ऑलरेडी हियर, माय बेड, एंड बहुत ही खास जगह है बिकॉज यहाँ मेरी चाय पानी का सारा जुगाड़ होता है जो राहुल मुझे पिलाता रहता है बना बना कर, और यहाँ पे मैंने अपना रिजीम भी लिखा हुआ है खाने का, जो मुझे खाना है कब क्या खाना है। ये मैं आई टोल्ड यू ना, मैं चिट्टू के साथ बहुत जाती थी ट्रैवल करने, तो हम पेरिस गए थे, तो हमने वहाँ से फ्रांस गए थे बेसिकली, और ये मेरा कटआउट है जो नामकरण में इस्तेमाल हुआ हुआ था, तो मैं तुम लोग इधर उधर फेंकोगे इसको और बेचारी की हालत क्या हो जाएगी, इससे अच्छा मैं अपने कमरे में लगा लेती हूँ। तो जिस दिन पहली बार कमरे में लगाया ना, तो जब मैं बाद में आई अंदर, तो मैं पहले डर गई, ये कौन है यार, ये तो मैं ही हूँ। तो चलो अभी शुरू करें, मेकअप वेकअप करते हैं शुरू, उसके बाद बातें करेंगे। Oh,
मेकअप और साज श्रृंगार के बाद श्रुति हो गई अपने सीन के लिए रेडी। सो आई एम रेडी विद माय मेकअप और अब मैं यहाँ पर जो है श्रुति को हटाकर श्वेता बनने वाली हूँ। ये कॉस्ट्यूम पहनना है, फिर बाल करना है एंड रेडी सेडी गो जाएंगे। लेकिन अब श्रुति जो है वो श्वेता के रूप में आ गई है और नामकरण में जाकर अब अपना सीन करने वाली है, तो चलिए हम वहीं चलते हैं। श्रुति से श्वेता बनकर ये पहुंच गई सेट पर और अब वक्त है सीन शूट करने का और फिलहाल यहाँ चल रहा है काफी सीरियस सीन। देखे मुहल्ला मिले क्या तमाशा दिखा। हद्दी हो गई तेरी सच्ची, तुझे इस बात की फिक्र पड़ी हुई है कि चूही कहाँ है, जबकि तुझे इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि तेरी बहू कहाँ है। भाई एक सीन तो हो गया, अब है छोटा सा ब्रेक, तो चलिए जानते हैं श्रुति के को एक्टर से कि श्रुति रियल लाइफ में कैसी है। हाँ, मैं श्रुति को तब से जानती हूँ जब श्रुति मैं इस इंडस्ट्री में नहीं थी और श्रुति नई नई आई थी। ये भी देहरादून की है, मैं भी देहरादून की हूँ। हाँ और प्लस इनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड, तो शी इज लाइक माय लिटिल बेबी सिस्टर। ये तुम तो ये मुझे नीलू भाभी बोलती है। दिस इज द सेकेंड शो वेयर वी वर्क टुगेदर, बट फर्स्ट शो वेयर फिजिकली इंटरेक्शन हुआ है। जमाई राजा में मेरी एग्जिट थी, उनकी एंट्री थी सेट पे। सबसे ज्यादा आवाज अगर आपको कहीं से आ रही है, यू हैव टू बी श्योर दैट श्रुति इज रूम। आई नो, हम लोग बोलते भी है हमारा नेता कैसा होगा, श्रुति जैसा होगा। But that's a fun thing, but I think she's an extremely warm person. Yes, बहुत पुराने साथी जो काफी शोज में साथ इन्होंने निभाया है मेरा, और जिसमें से एक था खामोशियां, जिसमें लेकिन हमारा एबीसी नहीं था, लेकिन उसके बाद जवाई राजा से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आई थिंक नामकरण तक आ पहुंचा है और आगे भी चलता रहेगा, ये मेरी आशा है, दुआ है। जब आपका साथी कलाकार टैलेंटेड होता है तो आपको भी हमेशा अपने टोज पर रहना पड़ता है, वरना कहीं लोग ये ना कहें कि देखिए साहब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ही इज फुल ऑफ म्यूजिक, मतलब अरे बांसुरी की आवाज़ आ रही है, ओ संजय जी आ गए, अरे गिटार में कोई स्ट्रमिंग कर रहा है, ओ संजय जी आ गए। और भाई जिसे म्यूजिक यानी संगीत से प्यार है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने फैंस और दर्शकों को थोड़ा गाकर, थोड़ा बजाकर, थोड़ा गुनगुनाकर सुनाए। तो देखिए श्रुति के कमरे में जम गई संगीत की महफिल। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी अब न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। वो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। गुलाबिया के जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबिया के जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। और साइंथनी भी अभी आ गई हैं एंड ये बहुत कलाकार हैं और आपने देखा था इंस्टा पे कीबोर्ड बजाते हुए। ये सुरों की महफिल यही नहीं थमी, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। देखिए कमरे में एंट्री मारी शैंतनी ने, यानी कि अवनी की माँ ने। सो एक से भले दो, दो से भले तीन, और यहाँ पर तीन तिगड़म काम बिगड़म नहीं होता, यहाँ थ्री इज अ कंपनी एंड टू इज अ क्राउड। नालिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी
अच्छा तो अब जाने का समय आ चुका है, छोड़ के तो हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? जब तुम कहोगे। आई गेस नामकरण पर। आई गेस सो। वही जहाँ कोई, वही जहाँ सभी आते जाते हैं यही। क्या बात है, मतलब आज का पूरा दिन म्यूजिकल डे रहा है श्रुति। ऑल जिम डे एंड देन म्यूजिकल डे फुल ऑन। तो थैंक यू सो मच टू श्रुति टू सुनील हमारे कैमरामैन के साथ एंड आज तक टीम फॉर डूइंग दिस डे आउट अ ब्यूटिफुल हैप्पी सनशाइन डे आउट विद मी। सो बेसिकली आपने आज अवनि की सासू माँ रियल लाइफ में कितनी अमेजिंग है और कितनी पॉजिटिव है ये देखा रहा है। सो इसी तरह सास बहू और बेटियाँ पर आपके फेवरेट सितारों को आप तक लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं मैन रहा मुंबई आज तक। थैंक यू श्रुति माँ।